अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च होने को तैयार। ये पांच इलेक्ट्रिक स्कूटर जाने डिटेल। भारतीय बाजार में जल्द ही कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पेश किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किस कंपनी की ओर से किस इलेक्ट्रिक स्कूटर को पेश और लॉन्च किया जा सकता है, आइए जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय बाजार में जल्द ही कई नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लॉन्च किया जा सकता है। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस कंपनी की ओर से किस स्कूटर के इलेक्ट्रिक वर्जन और कौन से नए स्कूटर को पेश और लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। होंडा मोटरसाइकिल, होंडा एक्टिवा। होंडा की ओर से एक्टिवा को आईसी इंजन के साथ पेश किया जाता है। लंबे समय से यह स्कूटर भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्कूटर है, लेकिन अब कंपनी की ओर से इस स्कूटर के इलेक्ट्रिक वेरिएंट को लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी की ओर से इसमें फिक्स्ड बैटरी दी जा सकती है। सुजुकी बर्गमैन, सुजुकी की ओर से बर्गमैन इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। फिलहाल कंपनी की ओर से इसके इंजन वाले वेरिएंट को भारतीय बाजार में पेश किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस स्कूटर को स्वैपेबल बैटरी के साथ लाया जा सकता है। कंपनी की ओर से इसे जापान में पेश कर दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इसके जल्द ही भारत में भी लाया जाएगा। यामाहा E01, यामाहा की ओर से भी नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से E01 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लाया जा सकता है। कंपनी की ओर से आने वाले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रीमियम सेगमेंट के स्कूटर के तौर पर लाया जा सकता है। एथर इलेक्ट्रिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एथर की ओर से भी नया इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतीय बाजार में पेश किया जा सकता है। हालांकि अभी कंपनी की ओर से इस पर समय सीमा की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कंपनी सिर्फ दो स्कूटर तक ही सीमित नहीं रहना चाहती। कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक बाजार में मांग को देखते हुए कुछ और उत्पाद आने वाले समय में पेश किए जाएंगे। बजाज चेतक, बजाज की ओर से चेतक को इलेक्ट्रिक स्कूटर के तौर पर ऑफर किया जाता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की ओर से इस स्कूटर को ज्यादा बेहतर बैटरी के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल इस स्कूटर की रेंज 95 किलोमीटर तक है, लेकिन नए उत्पाद में इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।